अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कहां महिला सिपाहियों के आगे पस्त हो गए लुटेरे। बदमाशों का पूरा गैंग भागने को हुआ मजबूर। कहां चारों तरफ बर्फ की चादर से लिपटे पहाड़। अनोखा नजारा कैमरे में हुआ कैद और गूगल ने पहली बार किया ऐसा खुलासा, उसके डेटा सेंटर्स पीते हैं कई करोड़ लीटर पानी। शुरुआत करते हैं बिहार के हाजीपुर से आई हैरान कर देने वाली खबर के साथ, जहां महिला सिपाही बैंक में घुसे लुटेरों से भिड़ गई। बैंक लूटने के इरादे से पहुंचे लुटेरों का पूरा गैंग दो महिला सिपाहियों के हौसलों के आगे भाग निकला। बताया जा रहा है कि लुटेरे हथियार लहराते हुए बैंक में घुसे थे। सिपाहियों की हिम्मत के आगे बैंक लूट की बड़ी वारदात टल गई। पुलिस महकमा बहादुर महिला सिपाहियों की तारीफ कर रहा है। सेंधवारी के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में रोज की तरह नकद लेन देन का काम चल रहा था। बैंक के गेट पर सुरक्षा के लिए दो महिला कांस्टेबल तैनात थी। उसी समय अचानक चेहरे पर मास्क लगाए एक के बाद एक तीन लुटेरे बैंक में दाखिल हुए। लुटेरों के बैंक में दाखिल होते ही महिला सिपाहियों ने उन्हें रोका और पूछताछ की। इस दौरान हड़बड़ाए लुटेरों ने दोनों पर पिस्टल तान दी। इस पर महिला सिपाहियों ने लुटेरों को पिस्टल लहराते हुए देख बिना समय गवाए उन पर धावा बोल दिया। ये देखकर लुटेरों के हौसले पस्त हो गए और वो भाग निकले। इस तरह से बड़ी बैंक लूट की वारदात होने से टल गई। दूसरी अनोखी खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है। ये खूबसूरत तस्वीरें बाबा केदार के धाम की हैं, जहां इन दिनों भक्तों का जाना बंद है, क्योंकि इन दिनों चार धाम यात्रा के कपाट शीतकालीन सत्र के लिए बंद किए गए हैं। लेकिन ये तस्वीर हर किसी को बाबा केदार के धाम की ओर आकर्षित कर रही है। चारों दिशाओं में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। हरी भरी दिखने वाली केदारपुरी इन दिनों सफेद नजर आ रही है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जमी हुई है। केदारनाथ में स्थित होटल्स, लॉज और धर्मशालाएं भी बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। जहां दिसंबर महीने तक बर्फबारी नहीं हुई, वहीं इस महीने लगातार केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके चलते धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते केदारनाथ में तापमान भी लुढ़क गया, जिसके चलते खुद ब खुद सर्दी भी बढ़ गई। तीसरी हैरान कर देने वाली खबर गूगल से जुड़ी है। दुनिया भर के लोगों के सवालों का जवाब देता है गूगल। इसके काम आते हैं उसके डेटा सेंटर्स, लेकिन ये डेटा सेंटर्स करोड़ों लीटर पानी पीते हैं। दुनिया भर में मौजूद गूगल डेटा सेंटर्स ने साल 2021 में 1500 करोड़ लीटर पानी खर्च किया है। इसमें से 80% तो अमेरिका में मौजूद डेटा सेंटर्स की खपत है। गूगल ने यह जानकारी तब दी जब उसे एक मीडिया संस्थान द ओरेगोनियन ने चैलेंज करके पूछा गया कि गूगल ये बताए कि ओरेगोन में स्थित गूगल का एक डेटा सेंटर कितना पानी खर्च करता है। इसके बाद गूगल ने खुलासा किया, ओरेगोन में मौजूद डेटा सेंटर ने साल 2021 में 125 करोड़ लीटर पानी खर्च किया है। साथ ही कंपनी ने कहा कि अब वो तय समय पर ऐसे रिपोर्ट देती रहेगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।